बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी इस खुसूसी ट्रांसमिशन माह रमज़ान मुबारक की और इसका खुसूसी प्रोग्राम रहमत सहर के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देख रहे हैं यकम रमज़ान मुबारक से और इंशाअल्लाह देख सकेंगे इंतहाए रमज़ान मुबारक तक सुबह 2 बजे से इंतहाए सहर तक। आज बहुत से ममालिक में, दुनिया के बहुत से खित्तों में 2रा रोज़ा है। बहुत ही पुराज़म हैं लोग अभी तक बड़े यकीन के साथ कि रहमत का दरवा हो गया है, रहमतें छमाछम बरस रही हैं और ये अशरा भी रहमत का है। हर शख्स रहमत तलब कर रहा है, लेकिन उस रहमत को तलब करने के लिए यकीन बहुत बड़ी ज़रूरत है। यकीन बहुत बड़ी दौलत है, यकीन बहुत बड़ी नेमत है। यकीन अमल में, ईमान में, यकीन सोच में, यकीन किसी भी काम करने में, कोई भी काम हो, यकीन बहुत बड़ी दौलत हुआ करती है। नाज़रीन किराम, और उसके मुकाबले में नाउम्मीदी जन्म लेती है। नाउम्मीदी ही मायूसी का बायस बनती है और मायूसी कहा गया कि कुफ्र है। यही आज का हमारा मौजू है। मायूसी किसी अमल का नाम है या कोई रद्द अमल है, कोई हरकत है या मुहर्रिक है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आम तौर पर सवाल किया जाता है कि अंडा पहले बना या मुर्गी पहले बनी है। कैसे पता चलेगा कि आप मायूस हो गए हैं किसी अमल के नतीजे में या किसी अमल ने आपको मायूस कर दिया है? लेकिन ये बात तय है कि ये मायूसी बहुत भयानक मकाम तक पहुंचा देती है। अगर कोई शख्स खुदकुशी और खुदसोजी की तरफ जाता है तो उस गहरी खाई में गिरने से पहले ये मायूसी की घाटी ही तय करके वो इस घड़े में जाया करता है। चींटी की मिसाल आपने सुनी होगी, हमने भी सुनी है और बहुत बचपन में पढ़ी भी है कि वो हिम्मत नहीं हारती है, मायूस नहीं होती है, वो अपने काम में लगी रहती है और कतार दर कतार, कतार दर कतार अपने मकसद को पेश नज़र रख कर उस काम में जुती रहती है। एक बहुत छोटा सा बच्चा, जब हम भी उस बचपने की उम्र में थे और आप भी बचपने की उम्र में होंगे, आज भी आप अपने बच्चों को देखते होंगे कि वो लोग जितने भी बच्चे हैं गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं। शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मायूसी नहीं होती है, बच्चे मायूस नहीं होते हैं। फिर ये क्या बात होती है कि जब हम मायूस हो जाते हैं? वो किसी ने कहा कि किसी बात पर यकीन नहीं है, क्या खुदा पर भी यकीन नहीं है? दर हकीकत अगर ये सोच भी निकल जाए कि दुआ तकदीर बदल देती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का दर खटखटाया जाए तो वहाँ से इनाम मिलता है, इकराम मिलता है, वहाँ से मदद आती है, रहमत मिलती है, काम में बरकत मिलती है, हौसला मिलता है, तौफीक मिलती है, तो ये तमाम चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों से मायूस हो चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, दर हकीकत मुझे कहने दीजिए, मैं ये जुमला कहना नहीं चाह रहा, लेकिन कहने दीजिए कि जो दुआ से, रब की रहमत से मायूस हो गया है, गोया वो रब से मायूस हो गया है। और रब से मायूसी का तसव्वुर क्या एक मुसलमान के लिए है? क्या मुसलमान को कहा गया है कि तुमने रब से मायूस हो जाना है? अगर कोई शख्स रब से मायूस हो जाए तो फिर कहाँ जाएगा? ये मायूसी बहुत बड़ा मर्ज है जिस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये बहुत अमीक मौजू है जिस पर आज उलमाए किराम से गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन किराम, इसकी अहमियत को यूँ समझ लीजिए, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि जो रहमत खुदाबंदी से मायूस हो गया, गुला गोया वो खुदा ताला से मायूस हो चुका है, अब उसकी ज़िंदगी में क्या बचा है? यकीन के साथ, इस्तेहकाम के साथ वो अमल पहम करता रहे, अमल पहम करता रहे यकीन मोहकम के साथ, तो मंजिल को पा जाएगा। ये ख्याल, ये यकीन बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मर्ज़ है, ये एक ऐसा फ़िक्री मर्ज़ है कि जो इंसान को, इंसान के लिए तबाही का बायस बनता है। हमें आज कोशिश करनी है कि इस मर्ज पर भी गुफ्तगू की जाए, मरीज़ पर भी गुफ्तगू की जाए, मरीज़ को क्या इलाज करना चाहिए उस इलाज के हवाले से भी
گفتگو کی جائے. تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے, میں اس پر تو علماء کرام سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. دوسرا روزہ بہت ہی پرعزم ہیں لوگ اس ماہ رمضان المبارک کے لیے, اور ہونا بھی چاہیے, رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں, لیکن مایوسی پھر بھی گھیرے ہوئے ہے, نا امیدی کے بادل چھائے ہوئے ہیں. کیا کرنا چاہیے, اس مرض کا علاج کیا ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں آپ کی بہت ہی پسندیدہ شخصیات, ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب. السلام علیکم. بہت خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. جناب حضرت علامہ افضال الحق کلیانوی صاحب, السلام علیکم, آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ آپ آباد تشریف لائے. اور پہلا روزہ تھا, کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزرا, اور ماشاءاللہ رمضان کی برکات تو چھم چھم برس رہی ہیں. بہت سکون اور بہت ہی اطمینان ہے الحمدللہ. الحمدللہ. شاہ صاحب؟ جی ہاں الحمدللہ, اللہ اس کے رسول کا فضل تھا. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, احسان الحمدللہ. یہ چھم چھم کا لفظ بہت اچھا لگا مجھے. جی ہاں, یہ بھی یقین کی بات ہے, کاش ہمیں ایسا یقین مل جائے. اور کیا وجہ ہے مایوسی اتنی کہ رحمت پر یقین اٹھ گیا ہے, بہت اتنے وعدوں کے باوجود ایک مایوسی, ایک نا امیدی سی, اور جب خاص طور پر نوجوانوں میں اس کیفیت کو دیکھا جاتا ہے تو وہ بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, آج صورتحال ایسی ہے کہ مایوسی عموماً امید پر, رجا پر غالب آ رہی ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. سب سے بڑا جو سبب عظیم نظر آتا ہے وہ ہمارے ہاں تعلیم شرع کے فروغ کا فقدان ہے. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق, تقدیر سے متعلق آیات یا احادیث کریمہ ہیں, ان کا مطالعہ لوگوں نے چھوڑ دیا. ان کی وضاحت کر کے, اچھی طرح شرح بیان کر کے لوگوں کے اندر ترغیب پیدا کرنا, ہمت پیدا کرنا, یہ کوشش کا تسلسل ختم ہو چکا ہے. پھر کچھ ملکی حالات ہوتے ہیں, گھریلو حالات ہوتے ہیں, پھر نفس ہے, شیطان ہے, جہلا کی آرا ہیں, یہ سب چیزیں مل کر انسان کو مایوسی کی طرف دھکیل دیتی ہیں. تو ان تمام اسباب پہ اگر توجہ کی جائے, اور شروع سے ہی روٹ لیول سے اپنے گھروں سے ہی اس کی ابتدا کر کے بچے کا ذہن ذرا مضبوط کیا جائے, تو شاید مایوسی کی کیفیت نہ ہوتی. لیکن ہر جگہ ہر شخص جو ہے وہ امید کی بات کم کر رہا ہے, مایوسی کی بات کر کے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے. یہ مایوسی کسی حرکت کا نام ہے یا محرک ہے, عمل ہے یا کوئی رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قبلہ مفتی صاحب نے بہت بنیادی مقدمہ باندھا ہے اس پر کہ یہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات اور شریعت مطہرہ نے جذبات کو برتنے کے جو تقاضے اور انسان کے جو احساسات کے رخ کو جو واضح کیا ہے, اس سے جو ہے کہ وہ کنارہ کشی یا جہالت کی بنا پر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. اور یقیناً جو شریعت مطہرہ کی تعلیم, کیونکہ شریعت جو ہے وہ جسم کی تطہیر کے ساتھ ساتھ روح کی تطہیر کی بھی بات کرتی ہے, تو یقیناً یہ, چاہے آپ یقین کی بات کریں یا مایوسی کی بات کریں, یہ باطنی خرابیاں ہیں, یہ فکری خرابیاں ہیں. اور بہت خوبصورت آپ نے بات فرمائی کہ یہ ہے کیا. تو میں تو قبلہ صابری صاحب, یہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا, ایک مزاح کی بات ہی سمجھ لیجئے, لیکن اس کی اپنی ایک حقیقت ہے کہ یہ انڈا پہلے بنا یا مرغی پہلے بنی. یعنی یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ مایوسی محرک ہے یا حرکت ہے. مایوسی نتیجہ ہے. ٹھیک. اگر علم نفسیات کو بھی اگر آپ دیکھیں اور ان صوفیہ کی ابحاث کو پڑھیں کہ جو نفسیات کے تناظر میں جا کر انسان کو پرکھتے ہیں, اور قرآن کریم بھی دیکھیں, قرآن کا موضوع باقاعدہ مستقلاً انسان ہے. انسان صرف ظاہر اور جسے کا نام نہیں بلکہ وہ روح کا بھی نام ہے. تو روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. تو قرآن دونوں پر براہ راست کلام کرتا ہے. ایک بات, جہاں ظاہری تطہیر کی بات ہوتی ہے وہاں باطنی تطہیر کی بات ہوتی ہے, جہاں ظاہری خرابیاں ہیں وہاں باطنی خرابیاں بھی. ٹھیک ہے. جہاں ظاہری تقاضے الگ ہیں وہاں باطنی تقاضے الگ ہیں, یہ ایک پورا ایک دائرہ کار ہے. یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مایوسی کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مستقلاً کوئی شے نہیں بلکہ نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. کس شے کا نتیجہ ہے؟ عدم یقین کا نتیجہ ہے. جس طرح کہ ابھی مفتی صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ صبر جو ایسی چیز ہے جو مایوسی سے بچا سکتی ہے,
اور صبر کیا چیز ہے؟ صبر بھی بذات خود کوئی شے نہیں ہے، یہ بھی ایک نتیجہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھیں کسی عمل پر، کسی عمل پر نتیجہ، یہ خود ثمر ہے، ٹھیک. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ صبر، صبر پر تم بحث کرتے ہو، صبر تو پھل ہے، پہلے وہ بیج تو لگاؤ تاکہ صبر پیدا ہو، ٹھیک. پہلے وہ تناور درخت کی تیاری اپنے اندر کرو تاکہ اس کے پھل صبر کی صورت میں نمودار ہو، اور وہ بیج کیا؟ یقین. اب کیسے پتا چلے کہ بندہ صبر نہیں کر پا رہا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یقین کا بیج نہیں ہے. یقین کا لازم نتیجہ صبر ہے، اور عدم یقین کا نتیجہ مایوسی ہے. تو لہٰذا یہ بذات خود جو ہے وہ اصل شے کے فقدان کی بنا پر یہ نتیجے کی صورت میں، اس طرح کہ آپ دیکھیں حکما تشخیص کرتے ہوئے یہ بخار آ گیا، تو حکما بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بخار، یہ بخار ایک خود نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، گلا خراب ہے، جگر میں سوزش ہے، جگر میں حدت ہو چکی ہے، تو علامت، علامات. تو یہ جس طرح بخار علامت ہے، اس طرح صبر بھی ایک علامت ہے اور مایوسی بھی ایک علامت ہے، ٹھیک. یقین بھی نتیجہ نہیں ہے، یقین اصل شے ہے، ٹھیک ہے. یقین اصل شے ہے جو صحبت کے ذریعے، معاملات کے ذریعے انسان اخذ کرتا ہے. یقین کس کیفیت کا نام ہے کلیانوی صاحب؟ اگر میں اس کو سمجھنا چاہوں، ہم پہلے تو یقین کو سمجھیں نا کہ یقین کیا کیفیت کا نام ہے، پھر اس کے بعد ہم نا امیدی اور مایوسی کی تعریف کر سکتے ہیں کہ وہ عدم یقینی کا باعث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد. گفتگو بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. بات یہیں سے ہوتی ہے کہ دیکھیں، یقین یوں سمجھ لیں ایک سادے سے الفاظ میں، ویسے تو علمی اعتبار سے بڑی تفصیلات اپنی جگہ ہیں. کوئی شخص جو ہے، جب اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اس کام کے لیے یہ ذرائع موجود ہیں یا یہ شخصیات موجود ہیں، تو گویا کہ اس کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر ایک کیفیت جو اس کے اندر ہے کہ بھئی میرا یہ کام اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک. تو گویا کہ یہ یقین کی کیفیت اس کے اندر موجود ہے، اعتماد کی کیفیت موجود ہے، تو وہ بے فکر ہے. عموماً جیسا بھی جو مایوسی کی بات ہو رہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی جب انسان کو ہوتی ہے یا کسی اور طرف سے ہوتی ہے، تو اس میں ایک انسان اپنے ذہن سے کوئی اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا اپنا مسئلہ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے. مثلاً وہ شادی کرنا چاہتا ہے کہیں، اس شادی کے حوالے سے اس نے ذہن بنا لیا کہ بھئی میری یہاں شادی ہونی چاہیے. وہاں اگر ناکامی ہو رہی ہے، تو وہ اپنے جذبات اور اس چاہت کے پیچھے بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا ایسا سمجھتا ہے کہ جو ہے نا بس یہ جو کچھ ہوا غلط ہوا ہے. حالانکہ خود جو ہے نا، اگر جو سورہ یوسف کی جو آیات ہیں، ولا تیأسوا من روح الله انه لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون، اس کے ضمن میں جو باتیں آتی ہیں اس میں یہی آتا ہے کہ ایک پہلو تھوڑی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت نہیں دی ہے تو کبھی کبھی دولت کا نہ ہونا یا کم ہونا وہ بھی نعمت ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے لیے نا بہتری اور حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ایک شخص ایک بہت عظیم و شان بہترین گاڑی وہ چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کو یہ نہیں دینی، اگر دے دی تو یہ جو ہے نا جان سے چلا جائے گا، ٹھیک. تو بہت سی مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی مل جانا، کبھی دے کر، کبھی لے کر، کبھی دے کر. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم. السلام علیکم، میں کینیڈا سے جس خان بات کر رہی ہوں. جی محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ بہت عرصے بعد آپ کی آواز سنی اور بہت اچھا لگا. جی میرے پاس دیسی نہیں تھی، میں آپ کے پروگرام ہی دیکھ سکتی تھی، لیکن پھر بھی کبھی نیٹ پہ کبھی کسی طرح میں آپ لوگوں کو دیکھ کے ان ٹچ رہتی تھی آپ سے. اچھا، ادھر سے مفتی صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم، اور باقی حضرات کو بھی بہت سلام، اور رمضان کی بہت بہت مبارک. اچھا، تو اب آپ کے یہاں آ رہا ہے پروگرام، لائیو آ رہا ہے آپ کو، میں دیکھ رہی ہوں. جی جی بھائی، مفتی اکمل، میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے جیسے بھی مایوسی کے بارے میں جو آپ ٹاپک رکھا ہوا ہے، بہت اچھا ہے. ظاہری بات ہے ہم سب کبھی نہ کبھی آگے کسی پوائنٹ پہ کبھی نہ کبھی تو بس سفر اپنے آپ کو ڈسارٹ کر لیتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں آج کل، وہ یہاں ہمیں دیکھ کے اس قدر تکلیف ہوتی ہے اور ہم اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ اتنا ہمارا خوبصورت، اتنا پیارا ملک، اور اس کے یہ حالات جہاں پہ لوگوں کو روزگار نہیں ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، بجلی پانی نہیں ہے، ان حالات میں ہم مایوسی کے علاوہ اور کیا کریں؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات صحیح ہو جائیں، اور ہم یہ یقین سے، اللہ کی یقین اور بھروسہ تو بے شک بہت ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہم کسی ذات سے بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن کیا کریں کہ ہمارے ملک کے حالات بدل جائیں؟ بالکل، بہت اچھی بات کی، اور یہ بہت کامن کوئسچن ہے، آپ ہی کا نہیں ہے، میرا بھی ہے اور تمام لوگوں کا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہیں مسلمان، وہ یقیناً امن چاہتے ہیں، اور اس قتل و غارت گری کے حق میں نہیں ہیں، وہ امن سلامتی کے ساتھ
रहना चाहते हैं, यकीनन ये हक भी है। एक कॉलर हमारे साथ और हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात? जनाबे मोहतरम, मैं मोहम्मद इलियास दुबई वाला अर्ज कर रहा हूँ और मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और मैं आप सब टीम को, क्यू टीवी की टीम को और मुफ्ती साहब हंस रहे हैं नाम सुन के कि भाई ये कैसा नाम है मोहम्मद इलियास दुबई वाले। हाँ। लेकिन असल में ये कभी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हाँ। तो आपको मैं इसके वजूहात भी बताऊंगा, क्योंकि हाँ। इस वक्त मैं आपको ये कहूंगा तो इसमें वो थोड़ा हट जाएंगे बात से। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कल आप एक बातचीत चल रही थी कि शैतान को कैद किया जाता है रमजान में। जी जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फिर भी मुझ जैसा खताकार अल्लाह मुझे ईमान और सलामती दे, तो सबको, तमाम मुसलमानों को और मुझे भी, तो अगर फिर भी मुझसे खता हो जाती है रमजान में, अगर कोई फिर भी मैं गलती कर जाता हूँ, तो वो किसकी वजह होगी? उसका जिम्मेदार है या वो फिर शैतान मेरे ऊपर हावी है? सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज का सवाल है, नोट फरमा लीजिए और मैसेज कर सकते हैं और सवाल का जवाब भी मैसेज के थ्रू दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और आपके सवालों के जो जवाब हम देंगे वो सवाल भी अगर किसी की कॉल न मिल पा रही हो तो मैसेज के ज़रिए किया जा सकता है। मैसेज का तरीका पहले नोट कर लीजिए, इसलिए कि वो सिर्फ आज का सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है, जवाब भी मैसेज के थ्रू दीजिए। और अगर खुद बहुत ज़रूरी बात पूछना चाहते हैं और आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उस सूरत में भी आप मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से कोई राय का इजहार करना चाहते हैं तो भी मैसेज कर सकते हैं, अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाकर, सेंडिंग मैसेज ऑप्शन में जाकर FRQ टाइप कीजिए, उसके बाद R स्पेस दीजिए, RS टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए अपना सवाल या जवाब या राय, लिखकर अपना नाम, शहर का नाम और 8038 8083 पर आप सेंड कर दीजिए। आज का सवाल है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर का नाम क्या है? तीन ऑप्शन हैं, हज़रत अबुल आस, हज़रत उस्मान, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम। इनमें से एक सवाल, एक जवाब ठीक है और उसे आप तलाश कीजिए कि वो कौन सा जवाब है और हमें मैसेज कीजिए। जी मुफ्ती साहब, मायूसी, अब जिस तरह जो अल्लामा साहब जिक्र कर रहे थे, एक वो शख्स के जो जिस तरह शादी फलां जगह हो जाए वो मायूस हो गया और कभी कभी खुदकुशी और खुदसोजी तक पहुंच गया है, उस सूरत में मतलब उसका तो बनता है ना कि वो तो 6-7 उन जगहों पर भी पहुंचा जिनका दावा था संगदिल आप महबूब आपके कदमों में होगा, उसके बावजूद भी उनका भी डसा हुआ था, तो मायूसी तो तमाम चीज़ें, ये चीज़ें तो मुहर्रक बन रही हैं ना, क्या कहते हैं? एक अगर इजाज़त हो तो कॉलर पहले शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। हाँ बिल्कुल, आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, अल्लाह ताला अल्लाह आपको खुश रखे। और इस प्रोग्राम के लिए मैं रात को सोता नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल नहीं सोते? ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं और ये समझ लें कि क्यू टी वी देखने के लिए, और अभी जो कह रहा है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए रात भर सोता नहीं हूँ, तो अहमद निकल जाएगा, मैं ये प्रोग्राम छोड़ नहीं सकता।
नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है, और क्या घर वाले उठाएंगे नहीं? ये खौफ रहता है कि घर वाले उठाएंगे नहीं? चलो एक गुजारिश मैं करता हूँ, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, तुम हमारे लिए दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फैज़ान रमज़ान समेटने की तौफीक अता फरमाए। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा बात कर रहा हूँ? हसन मुल्तान से। जी सर। जी हसन भाई, क्या कहिएगा? कैसे मिजाज हैं जनाब आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। सर कुछ कहना चाहूँगा आपके टॉपिक के लिए आज के आज। जी जरूर, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। कुछ टाइम पहले तक मतलब मैं भी काफी मायूस रहता अपने रिजल्ट को लेके, लाइफ को लेके, लेकिन बाद में एक मैंने स्पीच सुनी डॉक्टर तारू काजी साहब की। अच्छा। जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मतलब अगर हम शुक्र अदा करें मतलब हर हाल में, हमके हर मतलब जो भी वो हमारे साथ करते हैं उनका शुक्र अदा करें, तो हमें कम से कम कभी मायूसी नहीं होगी। वाह। और ये चीज मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है, तो उसके बाद मुझे कभी भी मतलब मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुफ्ती साहब देखिए, थोड़ा सा मैं यकीन के ऊपर थोड़ा सा मैं दो जुमले अर्ज कर दूँ। यकीन असल में कल्बी कैफियत का नाम है, और ये शक के रफा को कहते हैं। ठीक। जब शक ख़त्म हो जाता है तो यकीन बनता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए लफ्ज़ यकीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि इसकी पहली मंजिल शक है। तो जब शक ख़त्म होता है तो यकीन आता है। ठीक। जिस चीज़ के बारे में हम कहते हैं कि हमें यकीन है, इसका मतलब है कि हमारे बातिन में उसकी जानिब मुखालिफ के बारे में कोई आवाज़ नहीं आ रही। अल्लाह ताला वाहिद है, यकीन है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जानिब मुखालिफ के वो वाहिद नहीं है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, रफ़ा हो गई है, रफ़ा हो गई है, ख़त्म। तो इस रफ़े शक का नाम यकीन होता है। ठीक। और यही यकीन की कैफियत जब इंसान को हासिल हो जाती है तो मतलूब शरा बनती है बहुत सारे उमूर में। अगर यकीन की कैफियत हासिल ना हो, खुसूसन बाबे अकायद में, तो वो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में कभी भी सहीउल अकीदा नहीं कहलाएगा और जन्नत में जाने का मुस्तहक नहीं हो सकता। ठीक ठीक। दूसरा, जैसे आपने इरशाद फरमाया कि मुख्तलिफ आमिलों के पास, जादूगरों के पास इंसान चला जाता है तो वो और ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाता है। ठीक है। इसकी देखें वही बुनियादी वजह जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व ताला ने अजल से लोगों के बारे में फ़ैसले फरमा दिए हैं। इरादा अल्लाह तबारक व ताला की सिफत है, जैसे उसकी ज़ात कदीम है उसकी सिफात भी कदीम है। ठीक। वो सबके लिए इरादे फरमा चुका है। और बुखारी शरीफ की सही तरीन रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लोगों की तकदीरें लिख दी हैं। अब होता यह है कि मसलन एक शख्स की शादी फुला जगह है ही नहीं किस्मत में, अल्लाह ने लिखी नहीं, वो पहुँच जाता है आमिल के पास। ठीक। और आमिल कहता है फिक्र मत करें, मैं वहाँ करवा के दम लूँगा। अब वो कैसे करवा सकता है जबकि अल्लाह का फैसला उसके खिलाफ है? गोया कि वो नादानिश था तौर पर अल्लाह ताला के फैसले के खिलाफ काम करने के बारे में, या इस बात का दावा कर रहा है कि मैं ऐसा अमल करूंगा, ऐसी कोशिश करूंगा कि अल्लाह के फैसले को बदल दूंगा, वो होता नहीं है। ठीक। फिर मायूसी बढ़ जाती है। इसलिए होना यही चाहिए कि सबसे पहले इंसान इल्म दीन सीखे। ठीक। और यकीन की कैफियत को मजबूत करे कि अल्लाह तबारक व ताला 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, वो ज़ालिम नहीं है, वो गाफिल नहीं है, उसके ख़जाने में नेमतों की कमी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चले या हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चले, ये फ़ैसला करना होगा। ये जब ये फ़ैसला कर लेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ अपने करीब। इस मायूसी के इलाज में एक तो चीज़ आपने जो सोहबत बयान की है उससे तो हमारा माशरा वैसे ही आरी हो चुका है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है? देखिए मुझसे कुरान बड़ी अच्छी बात फरमाई कि जनाब यकीन जो है वो रफ़ा शक का नाम है। ज़ाहिर सी बात है इंसान के जहन में मुस्बत और मनफी दोनों ख्यालात होते हैं, और उनमें जब तक बंदा उलझा रहता है तो शक की वादी तक रहता है। एक पहलू और एक ग्राफ मुकम्मल मजबूत और तवाना हो जाए, दूसरा ख़त्म हो जाए, तो उसी को अकीदा और ईमान की तमाम यकीन कहा जाता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाया वो यकीन के हवाले से यही था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अव्वलो सलाहिल उम्मती अल यकीन व सहबत व अव्वलो फसादिहा अल बुख्ल वल अमल व तूलुल अमल औ कमा काल, कि मेरी उम्मत की सबसे पहली भलाई यकीन और ज़ुहद है, और सबसे पहला फसाद बुख्ल और लंबी उम्मीदें हैं। कितना माकूल कलाम है कि लंबी उम्मीदें
और طول العمل لمبی امیدیں جو یقین کے اس پودے کے لیے دمک ہے اور اس مضبوط عمارت کے لیے دمک ہے جو یقین کو چبا جاتی ہے کھا جاتی ہے. یہاں پر علامہ علی قاری علیہ الرحمٰن نے یہ فرمایا کہ یہاں پر جو حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کا سب سے پہلا جو صلح اور نیکی کی بات ہے وہ یقین ہے. ٹھیک, تو پھر مولا علی قاری علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ یقین کن چیزوں پر, کس شے کا یقین, کس چیز کی طرف, جیسا صحبت بیا فرماتے ہیں. تو فرمایا چار چیزیں ہیں. پہلی چیز جیسا مفتی صاحب قبلہ نے ذکر فرمایا, تقدیر پر یقین. ٹھیک, کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر مرتب فرما دی ہے اپنے فضل سے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ رزق میرا لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی اس کے جواب کے لیے میں تیار رہوں گا. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز جو اللہ رب العالمین نے میرے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے تو آخرت میں میرے اپنے رب کے ساتھ میری ملاقات ہوگی. ٹھیک. اور یہ تمام چیزوں کو پکانا ہے صحبت کے ذریعے. اب صحبت چاہے کتاب کے ذریعے ہو یا فرد کے ذریعے ہو. اب ظاہر سی بات ہے کتاب خود ایک مرشد کا درجہ رکھتی ہے, بشرطے کہ اس شخص کے اندر یہ صلاحیت ہو. ٹھیک ٹھیک ہے. جس طرح سے شیخ الاسلام سید داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کے بارے میں, کشف المحجوب شریف کے بارے میں, کہ اگر کسی کو مرشد نہ ملے جو رشد و ہدایت کے تقاضوں کا ذکر کرے, وہ جیب کی بجائے دل صاف کرے, اللہ, تو پھر اس وقت وہ کشف المحجوب شریف سے براہ راست رابطہ جوڑے. ٹھیک. اور جو باتیں جس سے امام غزالی کی منہاج العابدین شریف ہے یا آپ کی احیاء العلوم شریف کتاب ہے, یہ مبارک کتاب ہے اس چیز کے ذریعے. کیا اس کا تعلق معاشرے سے بھی ہے؟ اس انسان جو مایوسی کا شکار ہو رہا ہے اس سے جڑے ہوئے وہ لوگ جو وابستگان ہیں ان سے بھی ہے, حالات اور کیفیات سے بھی ہے, یا یہ ایک مزاج کا حصہ ہے جو آہستہ آہستہ پنپتا ہے اور ویری کرتا ہے شخصیت ٹو شخصیت؟ اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ جو ہے نا, جو آپ ذکر فرما رہے ہیں نا کہ معاشرے کے حوالے سے, وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ معاشرے میں اگر مایوسی کے حوالے سے ہم اس تناظر میں دیکھیں تو دونوں طبقے موجود ملیں گے آپ کو, یعنی صاحب یقین اور مضبوط ترین لوگ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ وابستہ لوگ بھی معاشرے میں بڑی تعداد میں موجود ہیں. ٹھیک. اور اس کے ہوتے ہوئے ایسے افراد بھی جو نا نظر آ رہے ہیں جو مایوس نظر آتے ہیں. اور یہ چیز جو کثرت سے اپنے معاشرے میں چلتی ہے, تو میرے خیال سے اس میں جو نا اصلاح کے حوالے سے اور توجہ دلانے کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے کہ بھائی ہم جو ہے بہت بگڑ گئے, ہم جو ہے نا کہیں دین و شریعت سے بہت دور نکل گئے, تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے شاید ہم کا لفظ اور اس طرح کی چیز اپنی جگہ درست اور بجا ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ بڑی بڑی شخصیات ایسی موجود ہیں کہ جو دین و شریعت کو لے کر چل رہی ہیں, نہ صرف خود بلکہ پورے قافلہ اور ایک جو نا سلسلہ وہ چلتا چلا جا رہا ہے, غور یہ کرنا ہے کہ وہ لوگ جو خال خال ہیں یا کثرت ہیں یا جو نا جو ایک عمومی فضا آج کل جو نظر آ رہی ہے جو وابستہ نہیں ہے, ان کو کس طریقے سے اس ماحول سے اس چیز سے نکال کر اس جو نا قافلے اور ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ کرنے کی کیسی مطلب ان کو جو نا کیا کیا جائے جس سے وہ اس چیز سے نکل کے ایسے لوگوں کے ساتھ وابستگی ان کی ہو, وہ جو صحبت والی بات ہے, اور وہ اس چیز سے نکل کے یہ سمجھیں بات کو کہ بھائی معاشرے میں صرف میں ہی نہیں ہوں یا معاشرے میں ایسے ہی لوگ نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو چکے ہیں یا اپنی جو نا صلاحیتوں سے مایوس ہو چکے ہیں یا معاشرے میں پھیلے ہوئے جو نا بگاڑ کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں, جو بھی چیز ہے وہ یہ چیز ساتھ میں رکھے کہ ایسے لوگ جہاں مایوس موجود ہیں تو وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کا اصلاح کے سلسلے میں, درستگی کے سلسلے میں, یا خود جو ہے نا ماشاء اللہ صاحب یقین ہیں, تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس کے پیش نظر ہوں. تو ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا, کالر پہلے شامل کر لوں, مایوسی کفر کہا گیا, یہ کس اعتبار سے ہے؟ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے کفر تک کہا جائے یا کفر تک پہنچ سکتا ہے؟ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ عابد بول رہا ہوں, تسلیم بھائی لاہور سے. عابد صاحب کیسے ہیں آپ؟ دعائیں آپ کی تسلیم بھائی. میرا یہ فرسٹ ٹائم کال لگی ہے, جتنے سال ہو گئے یہ پروگرام شروع ہوئے. اچھا ماشاء اللہ, تو دیکھ تو آپ رہے ہیں شروع سے؟ دیکھتا تو ہر سال ہی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی جی. بس مولانا صاحب سب کو میری طرف سے سلام. بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے. بڑی محبت, بڑی محبت, کیا کہیے گا. صرف التجا ہے مفتی اکمل صاحب سے اور مولانا صاحب سے کہ اگر دل سے مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کے, مجھے بیٹا سمجھ کے, میرے لیے اگر دل سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس میں مبارک مہینے سے سب کے کرم کر دے گا میرے پہ انشاءاللہ. عابد صاحب بالکل ضرور ہم دعا کریں گے آپ کے لیے. میں علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں اور نہ صرف یہاں بیٹھے ہوئے بلکہ تمام عالم اسلام سے گزارش کرتا ہوں
के आबिद साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। कॉलर हमारे साथ और हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? बात करूं लाहौर से। जी भाई फरमाइए। मुफ्ती अकमद साहब से दरख्वास्त है कि मेरे हक में दुआ फरमाए। जी और वो मोहसिन है मेरे। अच्छा। और माशाल्लाह राउंड वर्ल्ड 38 साल मेरी उम्र है। कितनी? 5 साल से मैं रोजे रख रहा हूँ मुफ्ती अकमद साहब की वजह से। अच्छा। 5 साल से मैं रोजे रख रहा हूँ माशाल्लाह मुफ्ती अकमद साहब की वजह से। अच्छा माशाल्लाह। 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोजे रखे हैं, सिर्फ मुफ्ती अकमद साहब है अल्लाह पाक उन्हें बहुत खुशी हुई। 5 साल के बाद आज मेरी कार मिली है यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे कि आप में इतनी बड़ी तब्दीली आई, इतना बड़ा इनकलाब, और अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। कनाडा से एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पहली दफ़ा कॉल मिलाई है जी। और बड़ी खुशी हुई, आप लोगों का टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और बस यही पाकिस्तान के बारे में बड़ी फिक्र रहती है हम लोगों को यहाँ पर, तो यही पूछना था कि हमें जब दुआ करते हैं, कहते हैं कि जब आप एक जैसी दुआ करते रहते हैं तो वो हम क्या एक जैसी ही दुआ हर दफ़ा एक ही सवाल अल्लाह मियां से कर सकते हैं कि हमें हर दफ़ा अपनी दुआ को डिफरेंट तरीके से कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? दुआ का असल तरीका आप हमें कोई बता सकते हैं खास? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये तकरीबन मौजू से मुतालिक सवाल है कि हमने दुआ को आदत बना लिया है, हम हर नमाज के बाद दुआ करते हैं और या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह हमसे राज़ी हो, ये एक आदतन दुआ करना होता है, एक दुआ होती है वो जो अंदर से निकलती है। तो ये भी मौजू से मुतालिक है कि उसको यकीन की कैफियत किस तरह से मिल सकती है। मायूसी कुफ्र तक जा पहुँचती है, इतना बड़ा गुनाह, या मायूसी कुफ्र है? जो मजमून अभी हम बीच में गुफ्तगू कर रहे थे, मायूसी असल में जो है ना फ़ी नफसी उस एक इंतहा ऐसी आ जाती है कि वाकईतन वो इंसान को, एक मोमिन मुसलमान को भी, मोमिन मुसलमान होते हुए वो मायूस होते होते इस दर्जे में पहुंच जाता है, हालांकि उसका ईमान है कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन जब वो अपने हालात से किसी भी चीज़ से मायूस हुआ तो होते होते तफासीर में लिखा है इसी मायूसी के उन्वान में कि या तो वो जो ना उसका अकीदा ये बन जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो मेरी बात जानते ही नहीं है, यानी आलिमुल गैब है ही नहीं, या ये कि उसका अकीदा ये है, शिकवा और शिकायत तक पहुंच जाए, या ये कि वो है लेकिन वो ये कहीं समझने लगा कि भाई सबके तो काम बनते हैं, मेरे तो काम बनता ही नहीं, मेरी तो दुआ होती ही नहीं, मेरा तो कुछ होता ही नहीं, अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्लाह कर ही नहीं सकते या कर नहीं पाते। अगर ये भी नहीं है तो मुमकिन है कि वो ये सोच रहा हो कि जना सबके तो अल्लाह ताला काम बनाते हैं, मेरे नहीं बना रहे, तो नऊज़ु बिल्लाह कि अल्लाह ताला बखील है या कोई ऐसी नौयत। तो ये जितनी बातें हैं सारी, ये सारी कुफ्रिया बातें हैं कि एक इंसान के जहन में पहले बात वो आई, शैतान ने डाली या वसवसे आया, तो उस वसवसे पर अगर वो मजबूत हो गया तो बस समझ लेगी ये कुफर में चला गया और उसे पता भी नहीं चला। तो इस हवाले से ये जो है ना मायूसी कुफर जो है इस हवाले से कहलाती है। अपने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत से आता है मामला कि एक मोमिन मुसलमान की शान ये होनी चाहिए और होती है कि वो जब मसाइब में या मुश्किल में या परेशानियों में होता है तो वो अल्लाह ताला ही की तरफ नज़र रखता है और उसके फजल, उसकी रहमत और उसकी बरकतों का जो है ना मुतमन्नी रहता है, और अगर बिलफर्ज़ उसके जो है ना अच्छाई मिलती है, खुशहाली मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से, उसको जो है ना जो उसकी मन की मुरादें पूरी मिल जाती है तो वो शुक्र की हालत में आ जाता है, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। तो इंसान को ये हालत ही कैफियात समझनी चाहिए, अगर वो ये कैफियात और हालात समझता रहेगा इंसान तो अच्छे से अच्छा मोमिन मुसलमान वो बनता चला जाएगा, दर्जा बरजा तरक्की करके आगे बढ़ता चला जाएगा। वो एक शेर मेरे जहन में आ रहा है दुआ के हवाले से और अल्लाह ताला के दरबार को खटखटाने के हवाले से कि एक इंसान ही समझता है ना, मैं बहुत दुआएं मांग रहा हूँ, बहुत दुआएं मांग रहा हूँ और कबूल नहीं हो रही। जैसे कहते सुफियान सॉरी रहीमुल्लाह का वाक़ है ना कि बैतुल्लाह के दरवाजे पर चिमटे हुए खड़े हुए कह रहे हैं कि या अल्लाह 50 साल से दुआ मांग रहा हूँ और आज तक जो है ना वो कबूल नहीं हुई। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि भाई सिर्फ 50 साल, और दुआ क्या मांग रहे थे? अल्लाह ताला से अल्लाह ताला ही को मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप देख रहे सवाल कैसा है, तो सवाल के लिए 50 साल क्या बहुत ज़्यादा है? बहरहाल
तो अब यहाँ पर ही वो शेर मुझे याद आ रहा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भी हमने बड़ी दुआएं मांगी और मांगते चले आ रहे हैं, हमारी तो कबूल नहीं होती। तो वो शेर है कि खोलें वो या न खोलें दर, इस पे हो क्यों तेरी नज़र, खोलें वो या न खोलें दर, इस पे हो क्यों तेरी नज़र, तू तो बस अपना काम कर, यानी सदा लगाए जा। बैठेगा चैन से अगर काम के क्या रहेंगे पर, बैठेगा चैन से अगर काम के क्या रहेंगे पर, वो ना निकल सके मगर पिंजरे में फड़फड़ाए जा। तो इंसान को अपना काम करते रहना है। दुआ फी नफ्सी खुद एक इबादत है, अल्लाह ताला की रहमत पर नजर रखना खुद एक इबादत है, तो हर हाल में बंदा इबादत ही में है। तो इस चीज़ को अगर समझ लें तो इंशाल्लाह। जो बच्ची का सवाल था वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है, मैं चाहता हूँ कि इस पर आप भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे। अफजालुल हक कल्याणवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमें ज्वाइन किया है बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम शख्सियत, बहुत मुमताज़ आलम दीन, हज़रत अल्लामा मोहम्मद जहांगीर अमजदी साहब ने, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका खैर मकदम करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। और मुमताज़ व मारूफ मोहतरम खुशानदाज सनाख़ा जनाब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी ने, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदेद खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन कलाम ही शामिल करते हैं इससे पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सकीम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। आप कौन और कहाँ से? मैं सौगात बोल रही हूँ बहावलपुर से। जी सौगात, क्या कहिएगा? अंकल आपका प्रोग्राम इस वक्त तो मैं नहीं देख रही, केबल नहीं है, लेकिन मैंने कॉल ट्राई कर ली क्योंकि मुझे पता चला कि आपका प्रोग्राम में ताहिर भाई आए हैं और वो मदीना के जाहिर हैं। पहले तो सबको सलाम कहूँगी और ताहिर भाई से बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ताहिर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मदीने शरीफ की हाजिरी आपकी होने वाली है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो ऐज़ाए तैबा ये दुआ कर मेरे हक में, मुझको भी बुलावा मिले सरकार नबी से। प्लीज आप ताहिर अंकल प्रोग्राम आपसे रिक्वेस्ट है सलाम की, घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएंगे या मदीने काफी ले जाते हैं, मैं भी जाऊंगा, प्लीज अंकल ये सुना दे और ये पाठ से बात करें। तो आप कैसे सुनेंगी, आपके यहाँ टेलीविजन तो आ नहीं रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सुनेंगी आप, प्रोग्राम तो देख नहीं रहे। प्रोग्राम फिर उसमें सुन लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, जरूर सुनवाते हैं जी। ताहिर भाई मदीने काफले जाते हैं, मैं भी आऊंगा। मदीने काफले जाते सतार गए गए मेरा दिल दुखार गए गए, तुम्ही हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले, सभी ठुकरा चुके कर तुम भी
कसम रब की कहीं का ना रहूंगा या रसूल अल्लाह, मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊंगा। हुजूर आपके जो दो सहालो करम, हुजूर आपके जो दो सहालो करम, मेरी उम्मीद बंधाते मैं भी आऊंगा। हुजूर कितनी आते हैं मैं भी आऊंगा। अमजदी साहब, मैं एक तो आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम मायूसी के हवाले से बात कर रहे थे और कुछ देर पहले यही गुफ्तगू हो रही थी कि ये मायूसी क्या कुफर तक पहुंच जाती है या कुफर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े माशरती दुखती रख पे आपने हाथ रखा है और मैं समझता हूं कि बहुत बुनियादी ये टॉपिक है और ज़ह नसीब के क्यू टीवी की इस रिवायत को दीगर चैनल्स भी फॉलो करें। माशरे में जिस तरह मायूसी पिनप रही है और उसकी सूरत खुदकुशियों की शरह जो बढ़ रही है हमारे सामने आ रही है, तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि लोगों को ये बताया जाए कि मायूसी कुफर तक ले जाने वाली है। आदमी जब मायूस हो जाता है तो जैसा कि मुझसे पहले कल्याणी साहब ने उस पर अच्छी रोशनी डाली कि जब आदमी किसी चीज़ से मायूस हो जाता है तो दरअसल वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और उसके इल्म से मायूस हो जाता है। अल्लाहु अकबर। यानी मायूसी इतना बड़ा जुर्म है, माशरती जुर्म कह लीजिए आप, जिसकी सूरत बनती है कि जब एक आदमी हर तरह से मायूस हो जाता है, इसका मतलब ये है कि शैतान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और वो शैतान के मुकम्मल शिकंजे में आया हुआ है। फिर शैतान उसको तरह तरह से वरगलाता है, ठीक है, यानी वो ये कहता है कि तू माशरे में अपने साथ पिनपने वालों को देख, वो अपने पड़ोस में, वो अपनी सोसाइटी में, वो अपनी बरादरी में, वो अपने गिरदोनवा में देखता है और उसकी नज़र इंतखाब सिर्फ उन लोगों पर जाती है जो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। ठीक। तो जब वो माशरे में खुशहाल लोगों का सिर्फ तजिया करता है तो उसकी मायूसी उसको गोया यूँ कहिए आप जलती पर आग वाला काम करती है और फिर अगले मरहले में अल्लाह से तो बदगुमा होता ही है, शैतान उसके सामने इस दुनिया को बिल्कुल तारीख दिखाता है कि दुनिया तो मेरे लिए बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसीलिए कुरान मजीद ने ये इस दरवाजे को ही बंद कर दिया। यानी कुरान मजीद में आप देखिए ला तमन्नाउ बिमा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, अल्लाह ने तुम में बास को बास पर जो फजीलत दी है इसकी तमन्ना भी दिल में ना आने दो। अल्लाह। और उस आगे आयत मुबारका के आगे बड़ी प्यारी बात की कि अगर अल्लाह ने इसे अपने फजल से नवाजा है तो देने वाली जात तो अपनी कुदरत में कामिल है, जब वो जात इसे नवाज सकती है तो तुम्हें भी नवाज सकती है। फसअलुल्लाह मिन फजलिही, बजाय इसके कि आदमी अपने कोलीग्स को देखे और जो खुशहाल है उनको देखे, बल्कि वो अल्लाह की कुदरत पर नजर करे कि वो कादर मुतलक अगर इसे नवाज सकता है तो मुझे भी नवाज सकता सही, है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक तो ये किसी टारगेट को अचीव करने के लिए देखना, अल्लामा साहब ने सही फरमाया,
किसी टारगेट को अचीव करने के लिए या किसी को रोल मॉडल बनाने के लिए तो यकीनन ऊपर देखा जा सकता है। जब इंसान कुछ नामुमकिनात को या अपनी बिसात से बढ़कर चीज़ों की ख्वाहिश और आरजू और उनको पाने की तमन्ना करता है तब ये मसाइल भी पैदा होते हैं। इसके इलाज एक तो ये भी इसकी इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा, फिर आप दुआ का एक जिक्र कर रहे थे कि इस हम उस इलाज के साथ साथ कुछ दुआ का भी आप जिक्र कर रहे थे। देखिए मुफ्ती साहब ने भी क़िबला और अमजदी साहब ने भी इस पर बहुत सर हासिल बहस कर ली और तमाम चीज़ें उसमें तकरीबन आ चुकी हैं, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहता, लेकिन ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि यकीनन जो बात हमारी सोहबत के हवाले से भी चल रही थी तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बुनियादी चीज़ जो साबिका कौमों को भी अम्बिया कराम के पैगाम से इन्हराफ का जो बाइस और जो दाई जिसको करार दिया है वो उनकी बुरी सोहबतें थी कि वही मयून सी अन्न का शैतान फ़लात खुदमात बाद ज़िक्र माल कौम ज़ालिमी। और यकीन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस भी एक सोहबत असर रखती है। और यही भी बात है कि इंसान फितरतन तकलीद पसंद है और उसके अंदर तमाम सलाहियतें मौजूद हैं लेकिन वो फिर भी किसी को अपना इमाम मुक्तदा रहबर बनाकर उसके पीछे चलना चाहता है, इसलिए जिस चीज़ को वो ज़्यादा फिक्र सोचता है तो फिक्र ही आदत में तब्दील होती है। ठीक ठीक है, इसलिए कि किसी शय के तकरार को हम आदत नहीं करते कहते बल्कि ज़ौक़ से किसी शय की गर्दान को आदत कहते हैं। मरीज 3 दफ़ा दिन में दवाई खाता है लेकिन वो उसकी आदत नहीं बनती, तकरार ज़रूर है, आदत के अंदर शौक़ होता है एक बात। फिर बंदा जो मुस्तकिल जिस तरह मुफ्ती साहब इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले से जो शैतान उसके जहन में उस बात को जहन में जो बात डालता है तो उसको रफ़ा करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, उसको वाजे करने के लिए खैर के ज़राए जो हैं उसके करीब नहीं जाता। ठीक, जो ज़राए है तिलावत कुरान है या हज़रात सहाबा इकराम के वाक़ियात हैं, उनके इशार क़ुरबानी के वाक़ियात हैं, उनकी इस्तेकामत लिल्लाहियत के वाक़ियात, इन लदीन क़ालु रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामु, उनकी इस्तेकामत के जो वाक़ियात हैं, उनकी जो क़ुरबानी के वाक़ियात हैं और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल पर राज़ी होना उसके जो वाक़ियात हैं उस तरफ वो नहीं जाता। वो दुनियावी लोगों को तो अपना या दुनियावी मामलात उस पर रोना धोना तो ज़्यादा करता है लेकिन उसके मुकाबले में जो खैर के गोशे हैं उस तरफ वो तवज्जो नहीं करता। ठीक है, जिसमें बेतदाली की बिना पर वो एक ही तरफ गिरता चला जाता है। ठीक, तो लिहाजा अगर दोनों चीज़ उसके सामने हो तो अगर नफ्स शैतान के हवाले से या फिक्र की तवालत की बिना पर उसके अंदर ये जज्बात तैयार हो भी जाए तो खैर के ज़राए के करीब जाने से वो एतदाल की तरफ आ सकते हैं। ठीक, जिस तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया जो बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कसरत से ये दुआ फरमाते थे और उसमें तमाम चीज़ें तवाज़ुन को जिक्र किया गया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सन बिका मुतमइन्ना, अल्लाह ये अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस नफ्स का जो तेरी बारगाह में मुतमइन्ना हो। और जाहिर सी बात है उसकी एक तर्जुमा यूँ भी हो सकता है जो नफ्स मुतमइन्ना है। ठीक, जो गैर की तरफ रागिब नहीं होता, गुनाह की तरफ उभारता ही नहीं, तो फरमा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सन बिका मुतमइन्ना व तुमिनु बिलिक़ाइक, नफ्स मुतमइन्ना की तारीफ़ फरमा दी कि नफ्स मुतमइन्ना वो है जो तेरी मुलाकात पर यकीन रखता है। ठीक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सन बिका मुतमइन्ना व तुमिनु बिलिक़ाइक व तरदा बिक़दाइक व तक़नउ बिअताइक। ये बड़े जामे जुमले सैयद आलम की ज़ुबान पाक से जारी हुए हैं कि या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नफ्स मुतमइन्ना का जो तुझसे मुलाकात पर यकीन रखता है और वह तरदा बिक़दाइक और तेरे फैसलों पर राजी होता है, वो तक ना हो भी अताइक जितना तूने अता कर दिया उस पर कनात करता है। क्या बात, क्या बात। ये और यकीनन इसमें वज़ाइफ भी बहुत ज्यादा सहाबा इकराम को हुजूर ने मरहमत फरमाए, इस तरह के इत्मीनान कल्ब के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए, जिसमें लाहौर शरीफ जो है ये बहुत मुजर्रब है। बुखारी शरीफ की हदीस से सहाबा में मौजूद है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया और उसका कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। ठीक, और वो कहाँ पर है, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ो। कहा हुज़ूर इससे क्या होगा, फरमाया एक तो दुआ है, ठीक है, जिक्र खुदा है, दूसरा है कि तुम्हारा दिल मुतमईन होगा और तुम जो है कि वो तुम में सब्र की कैफियत पैदा होगी और जो तुम्हारे बच्चों को जिसने अगवा किया हुआ है वो खुद इस कैफियत के अंदर आ जाएंगे कि उनको कुछ नहीं समझ पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं और तेरे बच्चे को आज़ाद कर देंगे। उसकी बीवी बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा सरकार ने बहुत सही वजीफा मरहमत फरमाया। वो कहते चंद दिन हमने पढ़े तो बरकरारी दूर हो गई, क्या बात, दिल इत्मीनान और खैर के जज्बे से ममलू हो गया। और मेरा बेटा एक दिन घर आ गया और उसने कहा कि वो सामने बैठे हुए थे और मैंने उनके हाथ से चाबी लेकर अपने ताले को खोला और दौड़ता हुआ आपके पास आ गया हूँ। तो ये देखिए वज़ाइफ जो सैयद आलम ने खुद मरहमत फरमाए हैं जो यकीनन ईमान को जिला और खैर के जो पहलू मदहम हो चुके हैं उसको शोला बनाने में काम से। अच्छा, एक तो आप पाकिस्तान से बाहर आप भी कई ममालिक में तशरीफ़ ले जा चुके हैं, आप अहबाब भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं, बाहर भी मायूसी है और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले उनके यहाँ भी। एक मुसलमान को तो मायूसी मायूस होना ही नहीं चाहिए,
कि वो तो रब की कुदरत कामिला और उसके उसके सच्चे राज़िक होने पर यकीन रखता है, गोया तमाम ईमान उठ गया। इसको ईमान उठना तो नहीं कहेंगे, कमज़ोरी ईमान से ताबीर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात यह कि देखें, मुसलमान तो वो है जो मुसलमान घराने में पैदा हो गया, हम मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन एक है कामिल मुसलमान होना। ठीक, कामिल मुसलमान वो है कि जो अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ देकर उसने भेजा है उस पर कामिल यकीन रखे, ईमान रखे और उसके तकाजे के मुताबिक अमल करे। अब चूँकि हमारे यहाँ बुनियादी तालीमात का फुकदान है, जैसे इस पर गुफ्तगू हुई है, तो लिहाजा लाजिम सी बात है कि जब इंसान मायूसी की तरफ बढ़ता है, किसी मुसलमा अकीदे के ख़िलाफ़ उसकी सोच या फिक्र जाती है, तो दिफा करने वाली सोच उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। ठीक, अच्छा, फिर हमारे यहाँ होता यह है कि मुशावरा तो उमूमन साहिब और राय से नहीं करेंगे, पप्पू पान वाले से, फुप्पा जान से, ताया जान से, वो उनसे बढ़कर मुफ्ती आजम पाकिस्तान होते हैं, पहले से फारिग होते हैं, पहले से फारिग होते हैं। अब नतीजा निकलता है कि वो अपनी फासिद सोचें मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुशावरत कसीरा होती है, फैसला नहीं हो पाता, ये सही कह रहा है कि ये सही कह रहा है, और होते सब के सब गैर साहिबुर राय। नतीजा निकलता है कि फिर जब वो हाकिम अपने नफ्स को बनाएगा, शैतान की तरफ से दी गई सोच को बनाएगा और इस तरह के जहला की राय को बनाएगा, तो फिर नतीजा ही निकलता है। ठीक, अच्छा, फिर एक मैं अपने इधर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से गुजारिश करूंगा, काश को इसको अपने कबूल कर ले कि हमारे यहाँ जैसे अखबारात में मेन हेडिंग लगी होती है, चार बच्चों की माँ ने खुदकुशी करके तमाम गमों से नजात पा ली। लीजिए, ये नुस्खा बता दिया कि गमों से नजात पानी है तो अल्लाह के ज़ात से मायूस होके माज़ल्ला और आप खुदकुशी का इकदाम करें, गमों से नजात मिल जाएगी। इस किस्म की चीज़ें भी एक जाहिल आदमी के लिए कुछ अट्रैक्शन रखती हैं और वो इसके लिए फौरी तौर पर अमली कदम उठाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अच्छी सोहबत रखें, उलमा की बरह रास्त सोहबत हासिल ना हो तो कम अज़ कम उनकी कुतुब पढ़ कर या उनके प्रोग्राम वगैरह देख कर अपनी सोच और फिक्र को मजबूत करें, और जिनको ये सोच और फिक्र की मजबूती हासिल है वो ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए दूसरों के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत और तवानाई पैदा करें जो नफ्स व शैतान के इस किस्म के वसाविस को दूर करने में अच्छा किरदार अदा करें। थोड़ी सी बस मैं दो जुमले इस पर बोलूँगा कि ये मायूसी कुफ्र जो आपने फरमाया था, देखें बाज़ औक़ात तो मायूसी बरह रास्त कुफ्र होती है जबकि अल्लाह ताला की ज़ात पाक से हो, और बाज़ औक़ात ये मायूसी कुफ्र तक पहुँचाने वाली है जबकि दीगर ज़राए और असबाब से मायूस हो जाए, उससे जब हम मसलन में आपकी मदद से मायूस हुआ, इनकी मदद से, फुला की मदद से, दुआओं से, वज़ाइफ से, हर चीज़ से मायूसी है, तो फिर ये मायूसी पहुंचाती है अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस होने की तरफ, और वो पहुंचाती है कुफर की तरफ। तो इसलिए हर मायूसी कुफर नहीं, लेकिन हर मायूसी कुफर तक पहुंचाने का एक सबब अजीम ज़रूर बन सकती है, इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत। नाज़रीन, एक कॉल हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मेरी जानिब से आपको, आप तमाम मेहमानों को, क्यूटीवी की पूरी टीम को, मालिकान को रमजान की बहुत मुबारक हो, और हम सब की जानिब से प्रोग्राम पेश करने की भी बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह इस दफा सेट भी बहुत प्यारा है और टॉपिक बहुत अच्छा। मेरा एक छोटा सवाल है कि अगर हमारे करीबी हम लोगों में से कोई मायूसी का शिकार है तो हम क्या किस तरह उसकी मदद करें सिचुएशन से निकालने के लिए? ठीक है, ये यकीनन इस पर आते हैं, कुछ एक तो कुछ सवालात और भी हैं उसके भी जवाब शामिल कर लेंगे जी। एक बच्ची ने सवाल किया था कि क्या एक दुआ को बार बार दोहराना अल्लाह ताला की बारगाह में क्या ये मुनासिब है? देखिए, एक तो होता है इज्तिमाई तौर पे किसी चीज़ के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मुझे इल्म अता फरमा, फहम अता फरमा, हमारे घर से तंगदस्ती दूर कर दे, आफियत अता फरमा, जन्नत अता फरमा दे, दोज़ख़ से पनाह अता फरमा, इनके तकरार में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी महमूद है। एक होता है पर्टिकुलर किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर उसके लिए दुआ में तकरार करना, अल्लाह ताला फलां घर में मेरी शादी हो जाए, ख़ास किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर उसके लिए तकरार करना ये कतअन मुनासिब नहीं है। और इसमें इल्लत ये लिखी है कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ हो, जैसे आप बात बोलते हैं भैया कोई वजीफ़ा बता दें, फलां घर में शादी हो जाए या दुआएँ करते रहते हैं, फलां शख्स से शादी हो जाए, ये मुनासिब नहीं होता। हो सकता है अल्लाह ताला का फ़ैसला किसी और के हक़ में हो और हम फिर उस वजीफे को, उस दुआ को लगातार अल्लाह ताला के फैसले के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और ये मुनासिब नहीं है। दूसरा, बच्ची ने पूछा था कि कोई मायूस हो जाए तो उसको इस मायूसी से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाए? इसमें सबसे मौसर कुरान हकीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं।
قرآن نے دونوں طرح کے اسلوب اختیار کیے ہیں کہ جو بے خوف دل ہے اس کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے عذاب کے واقعات ذکر کیے ہیں, اور مایوس قلب کو مایوسی سے باہر نکالنے کے لیے ترغیب کی آیات نازل فرمائی ہیں. ان کو دیکھا جائے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں بتا رہا ہے, جنت کے واقعات ارشاد فرما رہا ہے, جنت کی نعمتوں کو ذکر کر رہا ہے, اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا, میں یقین سے کہتا ہوں آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں, یعنی جو بھی ایسا مایوس ہو ایک دفعہ پڑھ لے, اس کے بعد وہ اپنی قلبی کیفیت کو بے حد بدلتا ہوا پائے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ کرم نوازی فرمائے گا کہ شیطان بھی اس امید پر سر اٹھا لے گا کہ شاید آج میں بھی بخشا جاؤں گا. آپ اندازہ کریں کہ جو مایوس ترین شخصیت ہے وہ بھی سر اٹھائے گا امید پر. تو اس کلام میں بڑی برکت ہے, اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ناظرین کرام, جو آج سوال آپ کے لیے آپ سے کیا گیا وہ کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی, ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو تین آپشنز دیے گئے تھے, اور صحیح جواب دینے والے ہیں سید اویس صابر, ان کا تعلق گجرات سے ہے, تو اور جنون کی طرف سے ان کے لیے یہ گفٹ ہیمپر ہے, اور ہاشمی کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپر ہے. تو یہ دونوں گفٹس آپ کو جاتے ہیں. آپ نے صحیح جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج کے سوال کا صحیح جواب تھا. غالباً اویس صابر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, شکر. آپ کیسے ہیں؟ بہت مبارک ہو آپ کو, آج کے سوال کا صحیح جواب آپ نے دیا, اور بہت سے صحیح جواب آئے تھے آپ نے, آپ کا بیلٹنگ میں آپ کا نام نکلا ہے. بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ. بہت شکریہ. آپ سے رابطہ کیا جائے گا. وقت ہے آج کی سنہری بات کا, اور آج کی سنہری بات ہے حضرت ابو الحسن علی فرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلسلہ عالیہ نقشبند کے ایک معروف بزرگ, اور سلطان محمود غزنوی کے مرشد بھی یہی تھے. ایک روز اپنی خانقاہ میں درس طریقت دے رہے تھے, اور سامنے سالکین راہ خدا بادب بیٹھے ہوئے تھے, کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام کا ورد کرو, اس نام کو حرز جاں بنا لو, اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا نام جپا کرو, تاکہ اس نام کی پاکیزگی تمہارے دلوں میں گھر کر لے, تمہارے من میں اجالا ہو جائے. اسی بزم میں معروف فلسفی حکیم بو علی سینا بھی بیٹھا ہوا تھا, اور وہ فلسفے کا معروف آدمی تھا, ہر بات کو عقل کے پیمانے پر پرکھتا تھا. سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نام زبان سے لیا جائے اور انسان کی کیفیت نفس تبدیل ہو جائے, یہ کیسا ممکن ہے؟ درویش نے اس کی کیفیت کا ادراک کر لیا اور کہا, ہمار یعنی گدھے. یہ کہنا تھا کہ بو علی سینا کے چہرے کے تاثرات یکسر تبدیل ہو گئے, مزاج ناگوار ہو گیا. حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے گدھا کہا, تیری کیفیت تبدیل ہو گئی. یہ کیسے ممکن ہے کہ تو اگر اللہ اللہ کہے تو تیری کیفیت نفس تبدیل نہ ہو؟ حافظ طاہر قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, کلام پیش کریں گے. اگر ممکن ہو سکے تو ذہن مقدر حضور حق سے. بسم اللہ. زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھا کا اعلی مقام آیا. یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا خواہ
सलाम लीजिए गुलाम आया, पहुँचना दर पर तो कहना सलाम लीजिए गुलाम आया, ये कहना सुबह वो आया ना शाम आया। आज दूसरा रोज़ा है, दूसरे रोज़े का आगाज़ हो चुका है, बहुत पुरअज़्म हैं लोग। मैं बार बार इस चीज़ का ज़िक्र इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो नहीं है वो भी अज़्म इख्तियार कर ले, और इस रमज़ान को यूँ समझ लीजिए, बस इस तरह करके मना लीजिए कि हो सकता है कि फिर हमें ये साथें नसीब हों या ना हों, और इन घड़ियों को गनीमत समझते हुए, गनीमत तसव्वुर करते हुए कि ये हमें मिल गई हैं ये साथें, मौला बस हमें बस अब आप अपना बना ले, हमसे राज़ी हो जा, हमसे खुश हो जा। आज मायूसी के हवाले से जो गुफ्तगू की गई, मैं ये ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें हमने साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पर भी, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए भी, कुछ जो इस मर्ज़ को, जो एक ऐसा फिक्री मर्ज़ है कि जो इंसान को खा रहा है और फ़र्द को खा रहा है, और फिर फ़र्द माशरे से जुड़ा हुआ है, फिर माशरे को तबाही के दहाने पर ला रहा है, कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से तकदीर से मायूस हो गया, तदबीर से मायूस हो गया, तदबीर नहीं कर पा रहा इसलिए कि तकदीर से मायूस हो चुका है, ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं या एक दूसरे से मुंसलिक होती चली जाती हैं तो वो मायूसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, जिस तरह उलमाए किराम ने फरमाया, और इंसान को तबाही के दहाने और फिर ख़ुदकुशी और ख़ुदसोज़ी तक ले जाती है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जब हम जिंदगियां देखते हैं तो यकीन की कैफियत से माला माल उन्हें देखते हैं। उसकी एक वजह जो उलमाए किराम ने भी बयान फरमाई और हमने सूफियाए किराम से भी सुना, वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमाल को छूता हुआ वो यकीन को बामे उरूज तक पहुँचाता है। ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजूदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन वो कैफियत देती है यकीन की कि जिसका कोई मुकाबिल नहीं हो सकता। यहाँ मुझे मुजफ़्फ़र वारसी का वो शेर याद आ रहा है कि जो इश्क मोहम्मद से हो सरशार मुजफ़्फ़र, जो इश्क मोहम्मद से हो सरशार मुजफ़्फ़र, उस दिल में यकीन रहता है शायद नहीं रहता। जब ये मोहब्बत रसूल दिल में जगह लेती है और शायद को निकाल कर बाहर फेंक देती है, यकीन की कैफियत अता करती है, तो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलों में जगह दीजिए और यकीन को जगह दीजिए, शायद को निकाल दीजिए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सदक़ा मिल जाए, उनके इश्क़ रसूल के जज्बे से सदक़ा मिल जाए, फ़ारूक़ आज़म हज़रत उस्मान गनी मौला अली करमल्ला वजहुल करीम का सदक़ा मिल जाए, वो मोहब्बत रसूल, वो बिलाल और ओवैस का जज्बा मिल जाए मोहब्बत रसूल का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, कल इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर आपसे एक नए सवाल के साथ, नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, और अच्छा देखने के लिए देखते रहिएगा ARYQ TV, और आपसे अभी कुछ देर के बाद ARY Digital पर आलम और आलम में एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान
تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات. روزوں کی بہاریں ہیں, خوشیوں کی قطاریں ہیں, روزوں کی بہاریں ہیں, خوشیوں کی قطاریں ہیں.